हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये देखिए फिलिप्स का टीवी रिपेयर करने वाले हैं, जो कि ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है। तो चलिए मैं इसे ऑन कर इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए सप्लाई आ चुका है, अब हम इसे रिलीज करेंगे। ये देखिए स्टैंड बाय रिलीज भी हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा ये जैसे ही ऑन होता है टीवी, यहाँ पर ये देखिए लाइंस आती है। ये भी लाइंस देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको चैनल लगा कर दिखाता हूँ। करते हैं जो जिनके अपने ये देखिए दोस्तों, होते हैं तो वो ये देखते हैं। जैसे मैं चैनल चेंज करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर तीन कलर की पट्टियाँ आ रही है। और ये देखिए ऊपर से भी, ये देखिए पूरी लाइनिंग आ रही है। तो दोस्तों इस टीवी का यही प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसे खोलते हैं और इसके वोल्टेज देखते हैं आ रहे हैं नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने खोल दिया है। तो चलिए एक बार इसे सप्लाई देते हैं और मीटर की रेंज 600 पर लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 110 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी स्टैंड बाय मोड पर है, इसलिए ये देखिए 67-68 के पास आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। तो चलिए मैं इसे स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने स्टैंड बाय रिलीज कर दिया है, तो ये देखिए 128 के आसपास वोल्टेज आ चुकी है, जो कि अल्ट्रा स्लिम के लिए ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर 28 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर 12-13 के आसपास, और यहाँ पर ये साउंड सेक्शन के लिए है दोस्तों 14-15, जो कि यहाँ के वोल्टेज तो सभी ठीक है दोस्तों। अब हम ये देखिए वर्टिकल के वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये +17 वोल्टेज, ये भी ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए -17 वोल्ट, ये भी ठीक है दोस्तों। हमारे सारे वोल्टेज तो ठीक आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए एक बार पीसीबी को ऊपर से देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, वर्टिकल आईसी के पास एक छोटा कैपेसिटर है। ये देखिए ये कैपेसिटर है, जो कि फुला हुआ है। तो चलिए एक बार हम इसे निकालते हैं। नया लगाएंगे और देखते हैं फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये देखिए दोस्तों, कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया है और इसकी वैल्यू दोस्तों ये देखिए 100 UF 50 वोल्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर ऊपर से फूला हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी जगह नया वाला कैपेसिटर लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, उस कैपेसिटर की जगह अब हम ये नया वाला कैपेसिटर लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू भी देखिए 100 UF 63 वोल्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, कैपेसिटर लगाते समय ये देखिए, ये जो सफ़ेद पट्टी है
और इस कैपेसिटर के ऊपर की सफ़ेद पट्टी एक तरफ आनी चाहिए, ये देखो कुछ इस तरह से। चलिए एक बार इसे हम शोल्डरिंग कर लेते हैं। और बाकी तारों को हम काट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा कैपेसिटर तो अब लग चुका है। तो चलिए एक बार हम इसे डिस्प्ले पर देखते हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, पीसीबी को मैंने अच्छी तरह से फिट कर दिया है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। तो ये देखिए स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों, जो हमारा ये लाइनिंग का प्रॉब्लम था वो अब ठीक हो चुका है। तो एक बार मैं आपको डीटीएच ऑन कर भी दिखाता हूँ। दोस्तों अब कोई लाइनिंग नहीं आ रही है। ये देखिए मैं आपको चैनल चेंज कर भी दिखाता हूँ, जो कि हमारी यहाँ पर बहुत सारी लाइन आ रही थी, अब वो लाइन नहीं आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम हो वो ठीक हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।